श्री गाइस, हम पहुंच चुके हैं टाली माता। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो अंदर जाकर के देखते हैं माथा पहले, सबसे पहले तो तो आज मैं, जैसे कि मेरे भाई छोटे भाई ने बताया कि हम टाली माता आए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ टाली माता। तो बहुत बड़ा पेड़ है, तो यहाँ जो बावे वाली माता है, तो वो जैसे कि आपको पता है हमारे जम्मू में बहुत बड़ा मंदिर है बावे वाली माता का, और सेम वैसा ही मंदिर यहाँ पे है, बावे वाली माता का ही है, और बावे वाली माता यहाँ वास करते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देखो, देख सकते हो कि कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, और इस पेड़ की भी पूजा की जाती है, इस पेड़ की पूजा की जाती है। तो आगे आइए, मैं आगे और दिखाता हूँ। तो यहाँ माँ काली का भी फ़ोटो लगा हुआ है, तो माता काली का भी फ़ोटो लगा हुआ, और ये छोटा पेड़ नहीं है, ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है अभी इस टाइम के ऊपर, और इस पेड़ की जो है वो पूजा की जाती है, ताका वास है इसमें, इस पेड़ में, और हम इनको टाली वाली माता, इसलिए हम बोला जाता है टाली वाली माता। तो आओ मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तो आगे मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, मेरे साथ आइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई है, एक पिंडी के रूप में स्थापना हुई है। आप देख सकते हो सामने माता की मूर्ति वगैरह भी लगी है साथ में, और बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, कसम से मन खुश हो गया यहाँ आकर के, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और माता रानी जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो उनकी हर एक की मनोकामना पूर्ण करे, तो जिन जिन को ये दर्शन वगैरह हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे माता का जहाँ मंदिर बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरे साथ आइए। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति जो है ये स्थापना करी गई है, हनुमान जी की कि पूजा वगैरह की जाती है, जिनकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, जिनकी बहुत ज़्यादा आशाएं वगैरह हो, तो यहाँ आकर के माता रानी से मन्नत मांग सकते हैं, माता रानी उनकी हर एक की मन्नत जो है वो पूरी करती है। जय माता दी, क्या हाल चाल है? तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं और मेरा दोस्त अरुण और मेरा छोटा भाई जो है, तो माता की जगह है ये, बावे वाली माता की ही जगह है, तो हम यहाँ आए थे, तो यहाँ हमें आकर के हमने दर्शन वगैरह किए, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक गांव है, आप चक्राली भी बोल सकते हो, तो उसके थोड़ा सा आगे जा करके है, तो लाहौरी चक्के आगे, घूमनासा से आगे,
और जम्मू से कोई किलोमीटर पड़ता है, कोई 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होगा। तो ये बॉर्डर एरिया है, और पीछे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं दिख रहा होगा अभी, तो कम से कम यहाँ से कोई कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे बॉर्डर है, और शायद मे बी 500 मीटर हो, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो उसके बाद यहाँ पे कोई, जैसे कि अगर LOC जो है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, तो वो अगर कुछ भी वहाँ से बोलते हैं तो यहाँ तक सुनाई ज़रूर देता है। अभी पीछे उनकी वो चल रही थी, क्या नमाज वगैरह उनकी चल रही थी, तो हमें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। तो अभी हम छत के ऊपर आए थे, तो आप देख सकते हो पीछे की हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। तो गांव में अपना ही मज़ा है, तो सिटी से दूर, काफ़ी दूर, और यहाँ सुकून जो है ये अलग ही है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे गांव में। तो मैं ये चीज़ दिखा सकता हूँ आपको, एक बार मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ये कितनी हरियाली है यहाँ पे। तो गांव का ये अपना ही मज़ा है। आप देख सकते हो कि आगे वो सामने आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ना, तो उसके पार जो है वो बॉर्डर ही है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़ा ही 500 मीटर या 600 मीटर की रेंज में होगा, 1 किलोमीटर लगा सकते हो आप, 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, LOC है, वो पाकिस्तान लगा। तो अरुण कहाँ है? कोई आप जय माता दी, नमस्कार सभी को। यहाँ पे मेरा 5 की 6वीं बार आया हूँ, और मेरे को यहाँ पे हर बार आता हूँ जो अच्छा लगता है। मैं मोस्टली जहाँ पे जब भी आया हूँ, एक बार फर्स्ट टाइम आया था अपने फ्रेंड के साथ आया था, ये बोबी के साथ नहीं बट वो अदर फ्रेंड था, तो उसके साथ आया। तो उसके बाद मैं मदर के साथ ही आता हूँ, जब भी मदर बोलते हैं उनको लिख कर आता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो जय माता दी। जय माता दी। और ये ज़मीन से पानी आ रहा है, बिल्कुल प्योर पानी है, कोई भी इसमें मिलावट वगैरह नहीं है। मिनरल्स भी इस पे हाँ डाले हुए हैं भगवान ने, और ये ज़मीन से पानी आ रहा है, और ये इसका पूरा ऑपरेट करने का सिस्टम है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये पूरा ऑपरेट करने का सिस्टम है, ये आप देख सकते हो पूरा ऑपरेट करने का सिस्टम है। ये रेड वाला जो है इसको बंद करने के लिए होता है, और ग्रीन वाला जो है इसको स्टार्ट करने के लिए होता है, और इसके साथ ही जो है इसको चौकीदार बोलते हैं। तो इसके दोनों बटन जो है वो प्रेस करने पड़ते हैं, तभी ये मोटर ऑटोमेटिकली चलती है। तो ये आप देख सकते हो, इसको कड़म कड़म बोला जाता है। तो ये मंडी में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये कौन सा कड़म है। तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, अभी बन रहे हैं, ये अभी बहुत छोटा है, तो ये अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको, इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बन जाएगा बड़ी जल्दी। अभी हमने दर्शन कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस घर में, और पीछे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा मंदिर से थोड़ा दूर, और अभी अरुण हैं। जय माता दी। सबको मेरा यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जय माता दी, सभी अपने अपने घर में ठीक रहें, मिलते सुरक्षित आपको नेक्स्ट रहें, वीडियो में मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यार चैनल, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए आगे, और तक